ओए तुम मेरा अकाउंट कर दोगे ठोकरा, 500 रुपए किलो बेचते हो ठोकरा, ठोको ताली, ठोकी ताली, शेर अच्छा लगा को। वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर, आपको ढोकला अच्छा लगा वो इम्पोर्टेंट है, तभी तो दूसरी बार ऑर्डर करेंगे। ओ हाँ हाँ जरूर। खन्ना साहब आप तो राजमा छोले वाले हो, ये ढोकला कब से खाने लगे? फ्लाइट में मुर्गन चेन्नई जाता है, ये ढोकले में नहीं देसाई खाता है, ठोको ताली। तो देसाई को खरीदने दीजिए ना। वैसे ये देसाई है कौन खन्ना साहब? मेरा दोस्त है दिनेश भाई देसाई। भाई भाई है या दोस्त है? वो दोस्त है, फगवाड़े से आया है, कुछ दिन मेरे साथ रहेगा, बहुत ही मजेदार है, बातों से ही दिल लूट लेता है गुरु। आपका दोस्त है तो अच्छा ही होगा, कहाँ है वो? अभी बैंक गया है लूटने के लिए। ओए नहीं, ओए पैसा विड्रॉ करने के लिए गया है। खन्ना 300 रुपए का छुट्टा है क्या? नहीं वो मेरे पास 2000 का नोट है ना, अब तो एक काम कर तू दे दे, एक ही बात है। ये लो भाई 300 रुपए किराया बोलो। अरे इतना पैसा देने से अच्छा पैदल ही नहीं आ जाता। आप तो बड़े कंजूस हैं। और आप तो बड़े स्ट्रेंजर हैं। इतना छोटा ये समोसा नहीं समोसी है, इनसे मिलो, ये सब मेरे पड़ोसी है, तो बता ली। ये आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई हो भाई। हमको भी। ए, मैं अभी बहुत थक गया हूँ भाई, ना क्या आता हूँ है। देसाई आ जाए फिर ढोकले खाते हैं। मिस्टर देसाई के लिए पार्सल है। ओ यार देसाई तेरा कोई पार्सल आया है? आ ले ले। अरे मैंने ऑर्डर किया है, ले 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 ले, एक की बात है। ला भाई कितना हुआ? सर 15,000 रुपए। हमारे घर के पास में बाजार है, ऐसा क्या है जिसकी कीमत 15,000 है? माइक्रोवेव है सर, तो किए ताली। ये लो पैसा काट लो। अरे वाह आ गया, थैंक यू कन्ना। अरे मैंने ना आइसक्रीम मंगवाई थी, मैं लेता हूँ। हाँ भाई केटला नुच्छे है? सिर्फ 130 रुपए। अरे सर छुट्टा दीजिए ना। अरे आप 2000 के नोट से फाड़ के 130 रुपए दे दो। ए कन्ना छुट्टा है क्या? हाँ तो तू ही दे दे, एक ही बात है। ये लो। मैं वो टॉवल सूखने के लिए डाल कर आता हूँ, तो नाश्ता लगा। खन्ना साहब ये आप कुछ चूना लगा रहे हैं? कहाँ लगाया, दिख तो नहीं रहा है। गधे चूना लगाना मतलब वो खन्ना साहब को लूट रहे हैं, कोई शक? लेकिन मैंने तो एक भी पैसा छीनते हुए नहीं देखा। बिना धान के ओखली में मूसल कौन कूटेगा, वो मेरा दोस्त होकर मुझे ही क्यों लूटेगा? खन्ना साहब आप बहुत भोले हो। वो सच्ची है, और गुरु पीजी भी यही कहती है। जरा सोचिए, ढोकले उन्हें खाने, पेमेंट आप करते हो, माइक्रोवेव को खरीदेंगे, पेमेंट आपने किया, 2000 का नोट दिखाकर ऑटो और आइसक्रीम के पैसे भी आपसे ही दिलवाए। बहुत दिनों से किसी को नोचा ही नहीं, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं। वो 2 दिन से मुझसे ही पेमेंट करवा रहा है, दोस्ती में लूट रहा है। ओ यार आप उनको अभी घर से निकाल दो। ऐसे नहीं, पहले उन्हें सबक सिखाएंगे कि दोस्तों को बेवकूफ बनाना गलत बात है। खन्ना साहब आप उनसे बोलिए कि रात को आप उन्हें डिनर पर ले जाएंगे, बाकी का इंतजाम हम करके आते हैं। चलो मेरे भाई देसाई बाहर चलकर खाना खाते हैं। आइसक्रीम खन्ना साहब, आइसक्रीम खानी है? हाँ हाँ भाई मुझे खानी है। फटा हुआ जूता सिला दो, सबको आइसक्रीम खिला दो, ठोको ताली। हाँ भाई शेरवीर सुनाने का नहीं, वरना मैं चला जाऊंगा। भाई शेर पर ध्यान नहीं देने का, काम पर ध्यान दो, काम पर। भाई आइसक्रीम में से क्या कड़ा निकला? किधर क्यों अंकल, आइसक्रीम से कीड़ा निकलता है, केकड़ा नहीं। बोलो क्या चाहिए? आइसक्रीम की दुकान है तो आइसक्रीम ही दोगे ना? हाँ भाई कौन सी आइसक्रीम चाहिए,
डंबल वेट प्लेट पुली स्प्रिंग कौन सी बोलो। हाँ, ये सब इनकी आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं। इनको एक्सरसाइज का बहुत शौक है। 6 प्लेट दे दो, 6 प्लेट। ये लो 120 रुपए। अरे मैं देता हूँ भाई, 2000 का छुट्टा है। खन्ना साहब, आपका पहले का 1800 रुपए बाकी है, काट लो। ए भाई, ये मेरा नोट है। एक ही बात है, कोई शक? 1880 और 120 बोले तो पूरा 2000। थैंक यू। गुरु, मोच आ गई, कार कैसे चलाऊं? कोई बात नहीं, देसाई साहब चला लेंगे। बेसन है बेसन। एक काम करते हैं, पैदल ही चल पड़ते हैं, थोड़ा जल्दी तो पहुंचेंगे। बेशक। जल्दी का काम शैतान का हो भाई। अरे अरे, क्या कर रहा है भाई? कोई देखकर नहीं चला सकता क्या? अरे डोबा, मैं तो स्लो ही चला रहा हूँ, तो तुमने आके ठग दिया। एक तो हेडलाइट तोड़ दी, ऊपर से बहस करता है, निकाल 2000 रुपए। जो देखो लूट रहा है, मैं नहीं दूंगा पैसा। चलो पुलिस स्टेशन चलो। ओए गुरु, शैंकी चंगा मुंडा है, इससे मत भिड़, ये बहुत बड़ा गुंडा है। 2000 में बात खत्म करो यार, क्योंकि ये भड़क गया ना तो हॉस्पिटल में ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अरे ये सब 2000 के नोट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके पास 2000 का ही नोट है ना। चलो चलो, बहुत भूख लगी है खन्ना साहब, डिनर करवाइए ना। ये तो खाली है। हाँ, इसलिए तो हम यहाँ आते हैं, फटाफट खाना मिल जाता है। इधर आओ, आप वेटर बने हैं, आप इधर आइए। बने मतलब? पहले ये बर्तन मांजता था ना, अब वेटर बन गया। कोई शक? पहले शक हुआ था, पर तुमने एक्सप्लेन कर दिया ना, तो शक खत्म हो गया। अब अपने मुंह की शहनाई से ऑर्डर की धुन बजाइए और क्या खाएंगे ये बताइए। मटर पनीर, पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर पसंदा, पनीर टिक्का, पनीर कोरमा, पनीर कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, नवरत्नी कोफ्ता, नवरत्नी पुलाव, बताइए। सब कुछ एक एक प्लेट ले आओ। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आपके पेट के गोदाम में इतना माल कैसे आएगा? अपने किचन के कटोरे में खाना भरो, जितना कहा है बस उतना करो। काली। ₹6680। ओ गुरु, मैंने पेंट बदल ली। कब बदली? आप तो यही पेंट पहन कर आए थे। ओ यार, घर पर पेंट बदली थी, वॉलेट क्रेडिट कार्ड सब उसी में रह गए। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ए बहुत भला वेटर है वो भाई। थैंक यू। ये बताओ, अब मेरे पैसे कौन देगा? जो लोग खाकर पैसा नहीं देते उन्हें इस बेड से तब तक मारता हूँ जब तक उनकी चमड़ी के चादर से मुफलिसी की मिट्टी झड़ नहीं जाती। देसाई साहब, ये बहुत मारेगा, पैसा दे दीजिए ना। अरे पर डिनर तो खन्ना करने लाए थे ना भाई, ए पेमेंट तो इसको करना चाहिए। एक ही बात है, कोई शक? ये लो भाई पैसे। कल कहीं और लंच पर चलेंगे। कन्ना, वो मैं कल होटल में शिफ्ट हो जाता हूँ। जिन बंगले में नहीं बोतल में रहेगा, दोस्त होते हुए तू होटल में रहेगा। नहीं बराबर है, बराबर है, पर वो क्या है ना कि वो दोस्ती का है ना, ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे वाह, एक दिन पैसे खर्च करके आपको ये बात समझ आ गई? इतने दिन से खन्ना साहब पे खर्च नहीं आई। खन्ना साहब दोस्ती में खर्च कर रहे थे तो आपको क्या लगा ये गधे हैं? ये गधे नहीं है, गधा सिर्फ मैं हूँ। पर मुझे भी समझ आ गया कि आप इन्हें चूना लगा रहे थे। सॉरी भाई, करना गलती हो गई। दोस्ती का कभी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। थोड़ा खर्चा ज्यादा हुआ पर बात समझ में आ गई।
ये लीजिए आपके पैसे, हमने तो सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए ड्रामा किया था। डिनर पर मैं लाया था गुरु, और डिनर का पेमेंट मैं ही करूँगा। अरे नहीं नहीं खन्ना, डिनर मेरी तरफ से 10 टिक के नाम। ए भाई थैंक यू मुझे मेरी दोस्ती याद दिलाने के लिए। वैसे यहाँ पास में कोई ATM है क्या? नहीं, वो माइक्रोवेव का 15,000 निकल के खन्ना को दे दूंगा ने? क्या बात क्या बात क्या बात, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ उसे देसाई साहब कहते हैं।